की पैरानी उन्होंने ध्वंसक, मेरा आदेश है छोड़ मुझे। अब ठीक तो है ना? हाँ, हाँ। कभी सोचा नहीं था कि मुझे दिमनासा को बालवीर की मदद की जरूरत पड़ेगी। एक बार अगर तुझे किसी ने देख लिया तो फिर छुपना मत, बिना सोचे उत्तराधिकारी पर वार कर देना। कहाँ गया वो बालवीर? यकीनन वो उसी दिशा में गया होगा जहां मेरा उत्तराधिकारी है, मतलब भारत नगर। हमें उसे तुरंत रोकना होगा। चलिए। इतना बड़ा सांप कहां से आया ये अचानक? यहाँ पर सारे बच्चे बहुत खतरे में हैं बालवीर, कहाँ हो? कुछ तो कीजिए, इस तरह तो उनके प्राण भी जा सकते। बाल परी की ऊर्जा से ही परी तारा जागृत होगा। बाल परी का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता। परी तारा किसी भी क्षण उत्तराधिकारी का पता लगा लेगा। अब हमारे पास और समय नहीं है, अब हमें जल्द से जल्द अपने असली रूप में आके इन सबको बचाना पड़ेगा। हाँ, हेरो परी, मेरे तीन तक गिनते ही सब एक साथ अपनी अपनी शक्तियां आसमान में छोड़ना। मैंने आप सबकी शक्तियां अदृश्य कर दी है। एक, दो, तीन। Thank you.
उद्वंशक को बस कुछ ही देर के लिए बेबस कर दिया है हमने, पर हमारी शक्तियाँ उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगी। मैं जानता हूँ वायु परी, लेकिन आप सब परियां अपने असली रूप में नहीं आ सकती। मैं अकेले ही उद्वंशक से लड़ूंगा। लेकिन बालवीर, तुम अकेले इससे कैसे निपटोगे? तुम कमजोर हो गए हो, और ये उद्वंशक, ये बहुत ही खतरनाक है। पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए मैं एक बार क्या, बार बार मरने के लिए तैयार। तुम चिंता मत करो अस्थिपरी, एक बालवीर ही है जो उद्वंशक को हरा सकता है। ये सांप बहुत खतरनाक है, आप सबको कहीं छुपना होगा। है कोई सुरक्षित जगह? है, मेरा घर, वो नजदीक भी और सुरक्षित भी, क्योंकि वो विमान का घर है। ठीक है, तो आप सब इसके घर पे चले जाइए, सुरक्षित हो जाइए, जल्दी जाइए। विमान चलो, चले चले, जल्दी चलिए। खुशी, जल्दी जल्दी चलिए, चलिए, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जाओ जल्दी जाओ। जान बचाने का वाकई बहुत शौक है ना तुम्हें पार्टनर? ये मेरा मोहल्ला है, मैं सब संभालूंगा। ये लड़का नहीं सुधरेगा। सब लोग इस तरफ चलो। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ चलो। लगता है अब मुझे ही जादू से सबको इस दिशा में खींच लाना होगा। चलो चलो सब लोग। चलो चलो आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, चलिए जल्दी चलिए। मम्मी, चलो 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 चलो। अरे इतना डरपोक बच्चा तो बालवीर हो ही नहीं सकता। फिलहाल भाड़ में गया बालवीर, अपनी जान बचा ले। तोबा तोबा। विवान, तुम भी घर के अंदर जाओ, वहाँ सुरक्षित रहोगे, जाओ। सॉरी, सुरक्षित रहने से ज्यादा मुझे सुरक्षा करने का शौक है। इस मोहल्ले का नुकसान करने वाला हर कोई मेरा दुश्मन है, चाहे वो इंसान हो या इतना बड़ा सांप। कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर। हमें लेकिन। अरे बोलो नहीं सुनो, चलो अंदर, चलो। देव तुम भी चलो। नहीं देखिए, मैं सांप को संभालूंगा, आप जाइए, आप विवान को लेकर जाइए, जाइए। शरारती सही, पर लड़के में हिम्मत तो है। बालवीर, मित्रपरी, आप यहाँ क्या कर रही है? आप बाकी परियों के साथ अंदर जाइए, आप कमजोर है, मैं आपको लट्टे नहीं दे सकता, जाइए। कमजोर तो तुम भी हो, हम दोनों होंगे तो एक से भले दो होंगे। नहीं मित्रपरी, मैं आपको लट्टे नहीं दे सकता। आप मोहल्ले वाले और बच्चों की सुरक्षा कीजिए, जाइए घर के अंदर, जाइए जाइए। इतना बड़ा शरीर होने का एक नुकसान होता है, ये मेरे जितना फुर्तीला नहीं हो सकता। ओए सपोले, इधर हूं मैं। चलिए 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 चलिए, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। आइए सब लोग, चलिए चलिए चलिए, इस तरफ चलिए, चलिए चलिए। अरे जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो अंदर। मम्मी मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो नहीं, चुपचाप यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाएगा तू। आप लोग ठीक है ना? मैं
मेरा मकसद मानव जाति की रक्षा करने का नहीं बल्कि उन्हें गुलाम बनाना है, जिसके लिए बालवीर का उत्तराधिकारी मुझे मेरे कब्जे में चाहिए। किसी भी तरह यहाँ से निकलकर मुझे उद्वंशक को मारना ही होगा। मम्मी, दीदी। हाँ दीदी, कहाँ पे? खुशी, 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 दीदी, खुशी, खुशी, पापा जी, खुशी कहाँ है? खुशी, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ होगी। खुशी, आती हूँ उसे। और विमान को लेकर ही आएगा, देख लेना। आज वो काफी नहीं है, आज मुझे आपकी शक्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए।
बालपरी उठिए, उठिए बालपरी, आंखें खोल, शौर्य, शौर्य बालपरी आंखें नहीं खोल, परी तारा जागृत करने में नाकामयाब हो गए शौर्य। उठिए बालपरी। कामयाब नहीं हुए ज्वाला परी, वो है बालवीर का उत्तराधिकारी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? घर जाके कपड़े उतारो, हर शहर से बालवीर का बोल कि बालवीर वाले से कुछ नहीं होता। वैसे एक बात बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? फ्री फ्री का तो मैं से प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। अरे एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान दिया मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चलो। मतलब जिस लड़के ने मुझे अब तक सबसे ज्यादा परेशान किया है वही है मेरा उत्तराधिकारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.